गुड इवनिंग ट्रेडर्स, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक विस्तार ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम टाटा पावर लिमिटेड है। देखिए, बहुत शानदार कंपनी है, 77.50 रुपीज पे ट्रेड कर रही है फिलहाल में, आसपास ही है उसके। तो अभी हम लोग इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। देखिए, जब ये कंपनी 71.50 रुपीज पे थी तब मैंने आपको बाई का कॉल भी दिया था और वो टारगेट भी अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या अभी भी लोग इस कंपनी में जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, उन सभी पे रिलेटेड जो भी और प्रेडिक्शन क्या होने वाली है फ्यूचर की, सभी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। ट्रेडर्स, मैंने आपको अपना टेलीग्राम और ट्विटर का भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप वहां पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी वीडियो रिलेटेड और बाकी जो लेटेस्ट न्यूज़ें चल रही होती हैं उन सभी का मैं वहां पे भी अपडेट आपको देता रहता हूं। देखिए ट्रेडर्स, जब मैंने आपको कॉल दिया था शेयर के लिए तब 71.50 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। मैंने आपको सब कुछ बताया था, स्टॉप लॉस, बाई का, टारगेट का सब कुछ दिया था और परफेक्टली कंपनी उसी पे खरा उतरी, क्योंकि डाटा बहुत करेक्ट था, हम लोगों का प्रेडिक्शन भी काफी अच्छी थी और पहला टारगेट देखिए अचीव होता हुआ दिखाई दे चुका है। अब अगला टारगेट जो 84 का है वो भी दिखेगा और अब तो कंपनी की और भी उससे शानदार न्यूज आ गई है, जैसे कि पहले जो आई थी उससे भी अच्छी न्यूजें आ चुकी हैं। कंपनी ने जैसे उस टाइम पे गुजरात में अपना प्रोडक्शन का खोला था कंपनी ने, गुजरात ने, देखिए यहाँ पे मैं आपको न्यूज वापस से कंटिन्यू एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो टाटा पावर कंपनी सेज कंप्लीटली फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शनिंग ऑफ कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड। तो ये इस तरीके से जो न्यूज़ें आई थी मैंने उस टाइम पे आपको बताया था, आपको इसमें बूस्ट दिखेगा, टारगेट भी दिया था। तो इसी तरीके से कंपनी ने अपना बैंक लोन भी जो था वो भी फुली रिपेड कर दिया था। तो इस तरीके से कंपनी के पास काफ़ी सारा ग्रोथ था और अब इन्होंने फ्यूचर का भी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लिया है, जैसे कि ये लोग ग्रीन पावर एनर्जी पे भी वर्क करने जा रहे हैं, जिससे सोलर पैनल और ये सभी की एनर्जी जनरेशन पे वर्क कर रही है कंपनी। तो इससे क्या होगा, कंपनी की ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी बढ़ने वाली है, फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी सुधरेगी, तो शेयर का प्राइस जो है अल्टीमेटली और अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम लोग करंट डाटा पे ही बात करने वाले हैं ट्रेड। देखिए, लोगों का ये थर्मल पावर प्लांट है जिसका मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग लेटेस्ट जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर ही बात करेंगे और क्या प्रेडिक्शन निकल के आती है और कितना अपडेट कंपनी और कितनी आगे निकलने वाली है उस पर बात करेंगे। तो ट्रेडर्स, देखिए टाटा पावर का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 77.20 रुपीज पे चल रहा है, जो पोस्ट मार्केट का है वो भी सेम प्राइस ही था, बट अभी फरवरी 3 को अर्निंग रिजल्ट आने वाले हैं जो कि हमको लगता है कि पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि कंपनी, बट कुछ चांसेस हैं जिससे लग रहा है कि इसका जो अर्निंग रिजल्ट है वो और भी शानदार आएगा इन क्वार्टरों से, क्योंकि कंपनी ने अपने नए नए प्लांट पे भले ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है बट उनसे ग्रोथ बहुत शानदार और बहुत जल्दी आने वाले ईयरों में दिखाई देगी। तो कंपनी का जो अभी 77 रुपीज दिख रहा है ये टाइम नहीं लगेगा, 1000 के पार होता हुआ दिखाई देगा, अडानी पावर को टक्कर देने वाला एकदम बनने वाली ये कंपनी। देखिए प्राइस के मामले में बोल रहा हूँ मैं, कंपनी का उसका फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, इसका फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, ये मत भूलिएगा। ईपीएस जो है 3.25 है, मार्केट कैपिटल 237 बिलियन की है, डिविडेंड यील्ड भी शानदार प्रोवाइड करती है 2% का, पीई जो है इसका इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो, 22.90 रुपीज़ है, तो ये ज़्यादा कुछ मैं जैसा कि आपको बताया वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है। नंबर ऑफ इम्प्लॉयज जो है 29,000 है कंपनी में, शेयर होल्डर भी 3 लाख से ज्यादा लोग होल्ड करके चल रहे हैं, एवरेज वैल्यूम जो 10 डेज का रहता है वो 35 मिलियन है, बहुत शानदार है वॉल्यूम ग्रोथ भी इसकी, 52 वीक हाई, 52 वीक लो जो है, 52 वीक हाई जो आज का ही प्राइस लगा था 77.95 से, 52 वीक लो जो है 27 रुपए। तो इस तरीके से एक मल्टी बैगर बनी है कंपनी, काफी स्ट्रांग तरीके से और काफी शानदार रिटर्न दिया है पिछले एक साल की रैली में अगर हाई लो देखा जाए तो। बैलेंस शीट पे नजर डालें ट्रेड, तो अभी भी कंपनी के ऊपर डेप्ट है 455 बिलियन का, तो देखते हैं इसके डेप्टर डेज कितने हैं, ज्यादा होंगे तो कंपनी में थोड़ा रिस्की हो जाएगा, पर अभी चेक कर लेते हैं कि कितना डेज इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा पावर कंपनी देखिए, इसकी बुक वैल्यू 68.10 रुपीज है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बता रखा था, तो इस हिसाब से जो इसकी बुक वैल्यू है ट्रेड्स, ये बहुत अच्छे पोजीशन पे है कि शेयर को बहुत बूस्ट मिल सके, ये अगर आराम से 1 टाइम हाई भी हो जाती है इसकी अपनी शेयर अपने बुक वैल्यू से भी, तब भी कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें आप बेझिझक इन्वेस्टमेंट करिए क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है फ्यूचर में भी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसके नीचे कैश फ्लो ही बताया है। तो देखिए कैश फ्लो जो है इसका 2700 करोड़ का ग्रोथ हुआ है,
लास्ट क्वार्टर में माइनस में था, लास्ट ईयर पे मतलब मार्च 2019 में माइनस में था, इस बार बहुत अच्छा हुआ। डिविडेंड एड भी ऊपर से कंपनी प्रोवाइड करती है, आरओई फ्यूचर में इसका काफी अच्छा ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा, आरओसीई जो है 7.53% है। क्वार्टरली रिजल्ट और प्रॉफिट लॉस पे बात करें तो कंपनी ओवरऑल हर जगह पे प्रॉफिट में है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इसका हमेशा ही प्रॉफिट में आया है, क्योंकि पावर बेस्ड पे है, तो चाहे आप घर में बैठे रहें चाहे बाहर वर्क करें, हर जगह बिजली का यूज तो होता ही है। प्रॉफिट लॉस में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है देखिए मार्च 2019 से, बट इस बार का जो रिजल्ट था वो थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि बिजली का जो देखिए जो आपको मार्च 2019 और मार्च 2020 का डाटा दिख रहा है प्रॉफिट लॉस में, नेट प्रॉफिट में नजर डालिए तो उसमें बस घटोत्तरी हुई है, बट फ्यूचर में जैसे कि अभी इन लोगों ने अपने नए सोर्सेस पे काम किया है, जैसे ग्रीन पावर एनर्जी पे बात कर रहे हैं जो इको फ्रेंडली होगी, इन्वायरमेंट को हानि नहीं देने वाली होगी, उन कंपनियां जो इनके इन्वेस्टमेंट वहां पे इतनी शानदार हो रही है और बड़ी बड़ी डील जो हासिल हो रही है, उससे आपको आने वाले टाइम पे ये कंपनी काफी शानदार ग्रोथ करती हुई और दिखाई देगी। बैलेंस शीट पे नजर डालें तो इसके जो रिजर्व्स हैं वो भी काफी ग्रोथ हुए हैं, देखिए मार्च में और सितंबर 2020 में देखेंगे तो आपको चेंज दिखाई देगा। उसके बाद जो इसका इन्वेस्टमेंट जो जैसा कि मैं बता रहा था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, फिर भी पिछले मार्च क्वार्टर से सितंबर में ग्रोथ उसमें भी हुई है, तो इस तरीके से बैलेंस शीट में भी कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। लाइबिलिटीज हैं, ट्रेड्स थोड़ी ही बड़ी हैं, बोरोइंग्स घटी है इस शेयर की, तो वो सब भी आप नोट जरूर करिए शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। जैसा कि मैं आपको डेप्टर डेज की बात कर रहा था, रेशियो में देखिए डेप्टर डेज एक ही दिन बढ़ा है मार्च 2019 से, बट आने वाले टाइम में थोड़े उम्मीद है कि घटें जिससे कि और लोग इसमें इच्छुक हों। इसकी शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ हुई है, आप लोग जून 2020 और सितंबर 2020 में देखेंगे तो आपको बहुत शानदार प्रमोटर्स की होल्डिंग में फर्क दिखाई देगा, तो ये जो प्रमोटर की होल्डिंग ग्रोथ है ये और अच्छा जताता है कि कंपनी आने वाले टाइम पे और अच्छी ग्रोथ आपको दिखाएगी। एफआईएस की होल्डिंग जो घटी है वो इसीलिए कि कुछ प्रमोटर्स के जब नंबर बढ़ जाते हैं तो एक तरीके से ये तो परसेंटेज में वैल्यूज है, तो जिसकी ज्यादा हुई वो थोड़ा दूसरे वाले को अपने आप ही नंबर घट जाता है, तो ये वाली बात है। तो एफआईएस की होल्डिंग 2% डाउन है, बट फिर भी बहुत 10% 11% एफआईएस की होल्डिंग कंपनी में है, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर डीआईएस की होल्डिंग भी है, इसमें गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है ट्रेडर्स, और वो भी अच्छे खासे 1% के लगभग है, 0.8% भी कम नहीं होता है गवर्नमेंट की होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग 15% है, पब्लिक की होल्डिंग वैसे भी किसी भी शेयर में अगर 30 से नीचे है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि अच्छा है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग 40 से अच्छा है तो बहुत अच्छा, ये भी आता है प्लस पॉइंट। हम लोग चार्ट पे नजर डालें ट्रेड्स, तो जैसे कि मैंने आपको जब पहले कॉल दिया था तब जो स्टॉप लॉस और सब कुछ दिया था उसी तरीके से अब भी कॉल रहेगी, और इस बार भी स्टॉप लॉस आप सेम ही लगाइए, क्योंकि देखिए आपको 68 के ही स्टॉप लॉस से आपको अब बड़े टारगेट पे अचीव करना है, और आप होल्ड करके चलिए इस कंपनी में, जब इसका कंपनी का बहुत ही शानदार फ्यूचर दिख रहा है तो मैं तो इसको बाय करने के बाद किसी को भी, अगर आप देखिए ये जो पुराने डाटे हैं जहाँ पे 160 या जो लोग इसमें 150 से फंसे हैं 140 से फंसे हैं, उन सभी का भी प्राइस क्लियर होता हुआ दिखाई देगा फ्यूचर में। 2023-22 तक ये कंपनी बहुत ग्रोथ दिखाने वाली है, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है, बिल्कुल इसके प्रोजेक्ट की तरह जो ये लोग इको फ्रेंडली पावर सप्लाईज पे वर्क कर रहे हैं, जो कि नेचर को हानि नहीं दिखाएंगे, जिसमें कोयले बर्न नहीं होंगे, तो ये सब के वजह से आपको कंपनी में और ग्रोथ दिखेगी। और रिटर्न पे बात करें, जैसा कि लास्ट में एंडिंग में बता देता हूँ, मंथली रिटर्न इसका 36% दिया है, ईयरली रिटर्न इसका 38% है, जबकि 38% से काफी अच्छा रहा है, 27 से अगर 76 रुपीज का ग्रोथ हुआ है, बट फिर भी 38% का रिटर्न भी बहुत शानदार है, और ऊपर से डिविडेंड यील्ड भी मिलता है, तो इस तरीके से एक ओवरऑल जो है फुल पावर प्रूव्ड कंपनी है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप बताइए क्या सोचते हैं आप इस कंपनी के बारे में।